नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि का साल 2021 के जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना कैसा जाने वाला है, यानी इन महीनों के समयावधि में आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि हासिल होने जा रही है और जीवन में किस क्षेत्र में चुनौतियों का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो कर्क राशि के लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। देखिये, जब भी नवीन वर्ष का आगमन होने लगता है तो हमारे मन में कई प्रकार के सवाल और विचारों का द्वंद प्रारंभ हो जाता है कि आने वाला वर्ष हमारे लिए कैसा रहने वाला है। चूंकि वर्ष 2020 काफी उतार चढ़ाव भरी स्थितियों को लेकर आया, काफी नकारात्मक स्थितियों को लेकर आया, इसलिए वर्ष 2021 से कई प्रकार की अपेक्षाएं लोगों के मन में बनी हुई है। हम ऐसी कल्पना करने लगते हैं कि वर्ष 2021 कैरियर के लिहाज से कैसा रहेगा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, शिक्षा के लिहाज से कैसा रहने वाला है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर साल 2021 के पूर्व के 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे, जैसे कर्क राशि का कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम प्रसंग, स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष कैसा रहने वाला है, शिक्षा के लिहाज से यह 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। साथ में कुछ खास हम आपको उपाय और सलाह देने वाले हैं जो आपके जीवन में अच्छी स्थितियों का निर्माण जरूर करेंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बताया गया है कि ग्रहों के चाल के आधार पर ही जीवन में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं और ग्रहों का प्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के गोचर के आधार पर ही जीवन में हमें उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले यह देख लेते हैं कि कर्क राशि के राशि पर कुछ खास ग्रह हैं जिनका पूरे वर्ष तक आपके राशि में भ्रमण करने वाले हैं। सबसे पहले शनि देव आपके राशि के सप्तम भाव में पूरे वर्ष भ्रमण करने वाले हैं। केतु आपके राशि के पंचम भाव यानी संतान भाव में पूरे वर्ष भ्रमण करने वाले हैं। राहु आपकी राशि में 11th हाउस में भ्रमण करने वाले हैं। शनिदेव के साथ गुरुदेव बृहस्पति जो ज्ञान के कारक ग्रह माने गए हैं, 6 अप्रैल 2021 तक शनिदेव के साथ युति बनाकर 7th हाउस में कर्क राशि वाले जातकों के विचरण करने वाले हैं। 6 अप्रैल 2021 को गुरुदेव बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो यहां से शनिदेव के साथ गुरुदेव की जो युति बनी हुई है वो हट जाएगी और गुरुदेव बृहस्पति आपके राशि के सप्तम भाव में वर्तमान में है तो अष्टम भाव में चले जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम मार्च के पूर्व तक यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का राशिफल ही आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष 2021 की शुरुआत से ही लेकर, क्योंकि मंगल आपके राशि के दसम भाव में विराजमान रहेगा और शनिदेव आपके राशि के सप्तम भाव में विराजमान है, शनिदेव को कर्म फल प्रदाता ग्रह कहा गया है। दसम भाव में मंगल विराजमान होने से कार्य क्षेत्र पर आपका जो प्रदर्शन होगा काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत से लेकर आपको भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा रहने वाला है, उत्साह काफी ज्यादा बढ़ेगा, इससे मेहनत आप निरंतर करेंगे, आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ती हुई नजर आने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, इस समय मध्य में आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर पाएंगे। इन 3 महीनों में ग्रहों के अनुसार आपके राशि पर कुछ इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है जिससे जिस क्षेत्र में आप हान डालेंगे उसमें आपको शुभ स्थिति और श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आने वाले हैं। अब एक एक करके हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले, यदि आप नौकरी पेशा है, नौकरी की दिशा में संलग्न है तो पदोन्नति की संभावना इन 3 महीनों में बनती हुई नजर आने वाली है। कार्य क्षेत्र पर आपका संबंध काफी अच्छा बना हुआ रहने वाला है। मार्च तक आपके राशि पर शुभ ग्रहों के प्रभाव कुछ इस प्रकार है। यदि आप व्यापारिक जीवन में संलग्न है तो व्यापार में खूब मुनाफा होने की संभावना बनेगी। साथ में व्यापार में यदि नवीन आइडियाज को क्रियान्वित आप करते हैं और पूर्व के समय से यदि आप व्यापारिक जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ रहा था और व्यापार में घाटे की स्थिति उत्पन्न थी तो वर्ष 2021 के पूर्व के ये 3 महीने काफी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाले हैं। इस समयावधि में गुरुदेव बृहस्पति आपके सप्तम भाव में है जिससे व्यापारी वर्ग को अच्छे फलों की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। व्यापार में काफी श्रेष्ठ प्रदर्शन आपका रहने वाला है। इस समयावधि में आपके कार्यों की रफ्तार तो बढ़ेगी, साथ में समाज से जुड़े हुए कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लेने वाले हैं। कार्य क्षेत्र पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। अब आर्थिक जीवन के लिहाज से हम आपको जानकारी दें तो वर्ष के ये 3 महीने जो प्रारंभिक महीने हैं उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि आपके धन भाव में जा रही है। आर्थिक जीवन के लिहाज से यह 3 महीने काफी श्रेष्ठ है।
शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके धन भाव में कुछ इस प्रकार बना हुआ है कि यदि पूर्व के समय से धन अभाव की स्थिति निरंतर बनी हुई थी तो महीने के ये 3 महीने में आमदनी के सोर्स में वृद्धि होती हुई नजर आने वाली है। इस समय अवधि में धन अभाव की स्थिति आपकी समाप्त होगी। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना बनेगी। राहु 11th हाउस में बैठा हुआ है, जिससे विदेश से यदि आप संलग्न है, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में यदि आप संलग्न है तो उसमें आपको पर्याप्त लाभ प्राप्त होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। राहु की शुभ दृष्टियां भी हैं, जिससे विदेश में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता भी प्राप्ति होने की संभावना बनेगी। इस समय अवधि में कर्क राशि वाले जातकों का खर्च भी काफी ज्यादा होता हुआ नजर आएगा। शिक्षा के लिहाज से अगर कहा जाए तो वर्ष के ये 3 पूर्व महीने चूंकि पंचम भाव में केतु बैठे हुए हैं और पंचम भाव से शिक्षा के बारे में विचार किया जाता है तो वर्ष का शुरुआत काफी श्रेष्ठ रहने वाला है। उसके पश्चात छात्रों को ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। यानी वर्ष के ये पूर्व के 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च शिक्षा के लिहाज से श्रेष्ठ प्रदर्शन विद्यार्थी करते हुए नजर आएंगे। विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा, मेहनत आप ज्यादा कर पाएंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो मन में यदि पूर्व के समय से भटकाव की स्थिति बनी हुई थी तो परीक्षा प्रतियोगिता में आप एकाग्र होकर संलग्न हो पाएंगे। जो जातक विदेश में शिक्षा अध्ययन करने के बारे में विचार बना लें उनके लिए स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनेंगी। इस समय अवधि में यदि आप विद्यार्थी वर्ग हैं तो मार्च के पश्चात आपके मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन उससे पूर्व तक मेहनत आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। परिणामों की प्राप्ति आपको काफी ज्यादा होती हुई ग्रहों के अनुसार नजर आ रही है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति भी पंचम भाव में दृष्टिगत हैं। पारिवारिक जीवन के अगर लिहाज से कहा जाए तो परिवार के सदस्यों के साथ वर्ष के शुरुआत में आपको चुनौतियां देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि शनिदेव आपके राशि के सप्तम भाव में विराजमान है। शनि को एक क्रूर ग्रह भी कहा गया है। शनिदेव की दृष्टि 4th हाउस में जा रही है, जिससे पारिवारिक जीवन में आप सुखों की कमी महसूस करने वाले हैं। इस समय अवधि में परिवार के जो सदस्य हैं उनसे कहा सुनने की भी संभावना बन सकती है, इसलिए परिवार के सदस्यों में वर्ष के 3 महीनों में समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। व्यवहार को मधुर रखें, सहज बनाकर चलें। इस समय अवधि में कोई बेहतर या बड़े कदम उठाने यदि आप जा रहे हैं तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही कोई कार्य जीवन में प्रारंभ करें। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव अप्रैल के पश्चात ज्यादा शुभ होगा, लेकिन उसके पूर्व तक तो स्थितियां आपके जीवन में उतार चढ़ाव भरी रहने वाली हैं, इसलिए पारिवारिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता होगी। अब आइए हम आपको बताते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से वर्ष के ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों, पंचम भाव से प्रेम जीवन के बारे में विचार किया जाता है और सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। पंचम में केतु विराजमान है, गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि जा रही है पंचम भाव में, जिससे वर्ष के शुरुआत में प्रेमियों के लिए नई सौगात प्राप्त हो सकती है। आपके नए प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकते हैं। जो जातक प्रेमी वर्ग हैं उनके जीवन में विवाह के प्रस्ताव आने की संभावना बनेगी। यदि पूर्व के समय से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था तो उससे आपको निजात देखने के लिए मिलेगी। संबंधों में मधुरता देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर कहा जाए तो गुरु शनि की युति सप्तम भाव में बनी हुई है और सूर्यदेव भी 14 से जनवरी को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और सप्तम भाव में ही सूर्यदेव की युति रहने वाली है, तो यहाँ पर रिश्ते में अगर बात की जाए तो उतार चढ़ाव की स्थिति देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि आपका धर्म कर्म आध्यात्मिकता की ओर काफी ज्यादा झुकाव होगा, आपके जो प्रेमी है आपसे काफी संलग्न भी रहेंगे, लेकिन बीच बीच में वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती हुई नजर आएगी। जीवन साथी के साथ आपको भरपूर सहयोग और साथ भी मिलता हुआ इस समय अवधि में नजर आने वाला है, क्योंकि क्रूर ग्रहों का प्रभाव दाम्पत्य जीवन में बना हुआ है, जिससे आपको समन्वय बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। रिश्ते में समन्वय बनाकर आप जरूर चलें। अब आइए हम आपको बताते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष के 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। तो 6th हाउस से रोग ऋण शत्रुओं के बारे में विचार किया जाता है। शनि आपके पूरे राशि के सप्तम भाव में विराजमान रहने वाले हैं। सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव माने गए हैं और यहाँ पर अगर बात की जाए बृहस्पति भी आपके राशि के सप्तम में ही है। स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कहा जाए तो सेहत में ज्यादा परेशानी आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगी। वर्ष के शुरुआत में आपका मनोबल बढ़ेगा, स्वास्थ्य के लिहाज से आप पूर्ण रूप से फिट रहने वाले हैं। सेहत से जुड़े हुए कुछ खास आपको
हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखकर आप जरूर चलें, इससे जीवन में स्थितियां ज्यादा श्रेष्ठ बनेगी। तो चूंकि यहाँ पर यदि वाहन यदि आप चला रहे हैं तो यहाँ पर आप सावधानी बनाकर जरूर चलें। भोजन यदि आप कर रहे हैं तो उसमें मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का ज्यादा सेवन करके आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। साथ में सेहत को यदि आप पूर्ण रूप में फिट बनाकर चलना चाहते हैं, चूंकि चाय शक्कर वसा युक्त भोज पदार्थों का यदि आप सेवन करेंगे तो वजन बढ़ने की भी समस्या उत्पन्न होगी, इससे स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं बनेंगी। इसलिए सेहत को फिट बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, संयमित दिनचर्या अनुशासित जीवन जीना श्रेष्ठ रहने वाला है। इसलिए ग्रहों के अनुसार तो ज्यादा स्थितियां खराब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी सेहत की ओर से सावधानी आपको बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता होगी। तले भुने भोज पदार्थों को खाने से बचें, साथ में दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर चलें, सोने जागने की आदत पर ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता इस समय अवधि में होगी, क्योंकि अनिद्रा की यदि समस्या होगी तो मानसिक रूप से तनाव काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और इससे शारीरिक रूप पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा। तो ये रहा कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2021 का राशि फल। अब आइए हम आपको बताते हैं आपके लिए कुछ खास सलाह और कुछ खास उपाय। तो कर्क राशि वाले जातकों, चूंकि चंद्रमा प्रधान आपकी राशि है, आप बहुत ज्यादा भावुक हैं, मेहनती होते हैं, ईमानदार होते हैं, आप जीवन में रिश्ते को अहमियत देते हैं, केयरिंग नेचर के होते हैं, आपका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, जीवन में आप मूडी भी स्वभाव के होते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध भी आता है। अक्सर यह देखने के लिए मिलता है कि कर्क राशि के कुछ ऐसे जातक हैं। सबसे पहले हम आपकी कमियों के बारे में बताते हैं कि आप कल्पनाशील बहुत ज्यादा होते हैं, अपने विचारों में खोए हुए रहते हैं और भविष्य की यादों के साथ आप जीवन को बिताते हुए रहते हैं। इसलिए आपको वर्ष 2021 में किसी भी बात में लेकर कल्पनाशील नहीं होना है। किसी लक्ष्य में यदि आप लगे हुए हैं तो उसमें आप निरंतर एक्टिव होकर जरूर आगे बढ़े। आपके अंदर यह भी देखने के लिए मिलता है कि भावुकता के कारण आप संबंधों के कारण आप गलत डिसीजन या जल्दबाजी में गलत निर्णय भी ले लेते हैं। इसलिए इस पर भी आपको ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता इस वर्ष रहने वाली है। भावना के आवेग में आकर कोई बड़ा निर्णय बड़ा निवेश करने से आपको बचने की आवश्यकता होगी। आप पूर्ण रूप से सतर्क हो जाएं, आश्वस्त हो जाएं, तभी आप इन्वॉल्व होंगे। कर्क राशि मेहनती राशि है, प्रतिकूल परिस्थिति में फंसने के बावजूद भी कर्क राशि वाले जातक जल्दी निकल आते हैं, लेकिन अक्सर यह भी देखने के लिए मिलता है कि आप अपने कार्यों को डिले करते हुए भी अक्सर देखते के लिए मिलते हैं। यानी किसी कार्य को यदि आपने समय दिया हुआ है तो उस कार्य में आप अपना एफर्ट जल्दी नहीं लगाते हैं, यानी आप समय के प्रबंधन पर विशेष रूप से ध्यान देकर नहीं चलते हैं। इसलिए वर्ष 2021 में आपको सलाह दी जाती है कि भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कहीं नहीं आ सकता, कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए समय प्रबंधन पर भी वर्ष 2021 में ध्यान देकर चलने की आवश्यकता होगी। अपने कार्यों को निपटा लें, तभी जीवन में आप एंजॉयमेंट या किसी घूमने फिरने की योजना बनाएं, इससे जीवन में स्थितियां काफी श्रेष्ठ बनेगी। अपने वाणी और आवेग पर नियंत्रण रखकर जरूर इस वर्ष चलने की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपके लिए खास बात है कि यदि पूर्व के समय से आपके जीवन में चुनौती नकारात्मक स्थितियां निरंतर चल रही थी तो कर्म दक्षता के आधार पर भाग्य को भविष्य को बदलना आसान है। इसलिए पूर्व की बातों को लेकर मन में तनाव की स्थिति बनाकर आप बिल्कुल भी ना चलें। वर्ष 2021 चूंकि नवीन वर्ष है तो एक नई शुरुआत करें, जीवन में उत्साह के साथ ऊर्जा स्तर को बढ़ाते हुए आप आगे बढ़ें, जीवन में आप जरूर सफल होंगे। धार्मिक उपाय की अगर आपके लिए कुछ बात की जाए तो यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों को प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करना श्रेष्ठ है, सूर्यदेव को जल अर्पित करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। वहीं वर्ष में एक बार अपने घर में आप रुद्राभिषेक जरूर करवाएं, इससे जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण जरूर होगा। भगवान शिव की आराधना करना भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी चंद्रमा बनते हैं और शिव जी का और चंद्रमा का सीधा संबंध है, तो शिव जी की आराधना करना भी आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है। गरीब और असहाय व्यक्ति की मदद करें ज्यादा से ज्यादा इस समय अवधि में कर्क राशि वाले जातकों को, क्योंकि शनिदेव आपके राशि में अच्छे भाव में बैठे हुए हैं, फिर भी आपको किसी भी व्यक्ति के साथ गलत नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव के पीड़ित प्रभाव आपके राशि पर हावी होने लगेंगे। सत्य की राह पर निरंतर आगे बढ़कर जीवन में जरूर आगे चलना चाहिए। गरीब एवं असहाय व्यक्ति को दान करें प्रत्येक दिन, या हो सके तो आप मंगलवार या शनिवार के दिन
चींटियों को दाना या चींटियों को शक्कर जरूर आप खिला सकते हैं, इससे जीवन में श्रेष्ठ स्थितियों का निर्माण होगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वर्ष 2021 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरे और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें जरूर बताएं ताकि प्रत्युत्तर यानी वीडियोज में हम उसका समाधान कर पाएं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरे, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।